किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज हम किसान संचार की ओर से लोबिया की फसल को चारे की फसल के रूप में कैसे इस्तेमाल करें, इसकी खेती करने की जानकारी दे रहे हैं। तो लोबिया की जो चारे वाली किस्में हैं उनमें FS68 एक किस्म है जो थोड़े समय 65 से 70 दिन में जो है तैयार होने वाली किस्म है। ये बहुफसली प्रणाली के लिए भी उपयुक्त है और विशेषकर गेहूँ या जौ के तुरंत बाद अप्रैल के शुरू में इसकी बिजाई करना अधिक लाभप्रद रहता है। इस किस्म को दूसरी खरीफ की दालों की तरह जुलाई में भी बीजा जा सकता है। इसकी जो औसत पैदावार है वो 3.25 क्विंटल प्रति एकड़ मिल जाती है। इसके बाद एक किस्म आती है HC46। ये किस्म हिसार लोबिया 46 के नाम से भी जानी जाती है, जो हरियाणा प्रांत में दाने की फसल के लिए 2010 में विकसित की गई। इसका दाना सफ़ेद व मध्यम आकार का होता है। ये किस्म पीला मोज़ेक रोग के प्रति प्रतिरोधी है। यह किस्म 70 से 75 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके दानों की पैदावार जो है वो 4 से 4.5 क्विंटल प्रति एकड़ तक प्राप्त की जा सकती है। अब बात करते हैं कि लोबिया के लिए भूमि कैसी चाहिए और तैयारी खेती कैसी करें। तो इन फसलों के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट से हल्की दोमट मिट्टी जो है लोबिया के लिए उपयुक्त रहती है। दो जुताइयां खेत की करें और हर जुताई के बाद सुहागा लगाकर खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। खेत समतल हो और उसमें ढेले तथा घास फूस नहीं होने चाहिए। लोबिया की जो बिजाई का समय है तो जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून की वर्षा के साथ ही लोबिया की बिजाई कर देनी चाहिए। हाँ, ये चीज़ जो ध्यान रखें कि इसका उपचार जरूर कर लें वो विराजमान टीके से। तो मूंग, उड़द और लोबिया ये तीनों कुछ ऐसी फसलें हैं जिनके लिए जो राइजोबियम कल्चर से अलग अलग टीके तैयार किए गए इनके लिए। तो ये टीके इस कृषि विश्वविद्यालय से मिल जाते हैं। एक टीका जो है 50 मिलीलीटर का होता है, जो प्रति एकड़ बीज के लिए इसका पर्याप्त रहता है। और इसका कैसे इस्तेमाल करें, तो एक खाली बाल्टी में 200 मिलीलीटर पानी लेकर उसमें 50 ग्राम गुड़ घोल लें और एक एकड़ के बीज पर जो है गुड़ का घोल ये आप डालकर उसे अच्छे से मिला दें। और जब ये घोल पूरे बीजों पर लग जाए उसके बाद जो है ये राइजोबियम का टीका ऊपर से छिड़क कर फिर बीजों को अलट पलट करके ये इस तरह से करें कि ताकि सारा जो है राइजोबियम टीका जो है वो बीजों पर लग जाए। सभी पर बीजों को हाथ से अच्छी तरह से मिला लें और बिजाई के पहले बीज को थोड़ा छाया में सुखा कर फरेरा कर लें। अब बीज की मात्रा और बिजाई के तरीके की बात करते हैं। तो लोबिया की जो है 12 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ डालने की सिफारिश की जाती है। अच्छी उपज के लिए उपयुक्त फासला पौधों के बीच रखना जरूरी है। आवश्यकता से अधिक या कम पौधों की संख्या होने से उपज कम मिलती है। इन फसलों की पंक्तियों में जो है 30 से 45 सेंटीमीटर सिंचित और असिंचित क्षेत्र के लिए दूरी रखकर पोरा अथवा केरा विधि से बिजाई करनी चाहिए। अब एक और क्रिया आती है इसमें जिसे हम बिरला करना कहते हैं। तो यदि खेत में पौधे आपको ज़्यादा लगे तो पौध से पौधे का अंतर 10 सेंटीमीटर मानते हुए बाकी पौधों की जो छटाई कर दें। जहाँ तक लोबिया में खाद डालने की बात है तो इसमें जो है तो लोबिया में जो है बोने के समय जो 6 से 8 किलोग्राम नाइट्रोजन जो लगभग 16 किलोग्राम यूरिया से मिल जाती है और 16 किलोग्राम फास्फोरस जो 100 किलोग्राम सिंगल सुपरफास्ट से मिलता है। तो इस खाद को आप बोने के समय खेत में लगा दें प्रति एकड़ के हिसाब से। अब बात आती है निराई गुड़ाई की। तो खरपतवार रोकथाम करने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पहली निराई 20 से 25 दिनों के बाद और दूसरी निराई जो है 30 से 35 दिन बाद करना इसमें जरूरी होता है। जहाँ तक सिंचाई की बात, तो प्राय कोई सिंचाई इसके लिए जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बढ़वार के समय यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो फसल को सींचना बहुत जरूरी हो जाता है। अब फसल चक्र की बात करते हैं। यदि दलहन फसलों को फसल चक्र में अपनाया जाए तो अन्न की पैदावार बढ़ाने में दालों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो जिनमें जो है दालों में ये लोबिया भी आता है। तो क्योंकि लोबिया जो है कम अवधि की फसल है, इसके उगाने में कम खर्च आता है और साथ ही जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, इसलिए फसल चक्र में अगर इसे आप महत्वपूर्ण स्थान देंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। खरीफ में पड़ती रहने वाली जमीन में मूंग, उड़द या लोबिया की फसल लेने से भी आपको इसका जो अतिरिक्त फायदा मिलता है, जिससे
मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा बढ़ती है और जीवाश्म जितना अच्छा होगा उतनी हमारी भूमि ज्यादा उपजाऊ रहेगी। अब हम बात करते हैं हानिकारक कीड़ों की। तो लोबिया और ऐसी ही उड़द और मूंग जैसी दलहन फसलों में जो है पत्ता छेदक, हरा पीला और बालों वाली सुंडी तथा सफेद मक्खी जो है वो काफी नुकसान पहुंचाते हैं। बालों वाली सुंडी का के समाधान के लिए आप 250 ml जो है मोनोक्रोटोफास 36 एसल को 200 लीटर पानी में मिश्र कर जो छिड़काव कर सकते हैं फसल पर। उसी से पत्ती छेदक जिसे फली बीटल कहते हैं इसका भी उपचार, इसका भी कंट्रोल हो जाता है। हरा पीला और सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए 400 मिलीलीटर मेलाथियन 50 cc या 200 मिलीलीटर रोबोट 30 cc या 250 मिलीलीटर ऑक्सी डेमेटॉन मिथाइल 25 cc को जो है 250 लीटर पानी में मिलाकर 2-3 हफ्ते के अंतर पर छिड़काव करते रहें तो इन कीड़ों का नियंत्रण हो जाता है। अब आती है बीमारियों की बात। तो इसमें पत्तों के धब्बों का रोग लगता है। कोनदार में भूरे लाल रंग के धब्बे जो बीच में धूसर या भूरे रंग के और सिरों पर लाल जामुनी रंग के होते हैं पत्तों तनों फलियों पर दिखाई देते हैं। इसके रोग के नियंत्रण के लिए ब्लाइटॉक्स 50 या इंडोफिल M45 की जो है 600 से 800 ग्राम मात्रा को 200 से 250 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रत्येक छिड़काव करेंगे तो इसका नियंत्रण हो जाता है। अब आता है पत्तों का जीवाणु रोग। इसमें जो इस रोग में पत्तों की सतह के नीचे छोटे छोटे जल सिक्त बिंदु से नजर आते हैं जिनके आसपास के तंतु गल जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए जो है फसल पर 600 से 800 ग्राम कॉपर ऑक्सोक्लोराइड को 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से इसका नियंत्रण हो जाता है। अब एक बीमारी आती है जड़ गलन, जिसमें रोगी पौधे पीले और सिकड़े दिखाई देते हैं, जड़ें गलने लगती हैं, रोग की अधिकता होने पर सारा पौधा नष्ट हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए बिजाई से पहले आप बीज को जो है 4 ग्राम थीरम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर लेंगे तो इस बीमारी का नियंत्रण हो जाता है। एक और बीमारी आती है पीला मोज़ेक। तो रोग से इस रोग से प्रभावित पौधों के पत्ते जो है वो पीले और कहीं कहीं से हरे नजर आते हैं। इस रोग की अधिकता हो जाने पर सारे पत्ते पीले पड़ जाते हैं, पैदावार कम मिलती है। इसकी रोकथाम के लिए रोग रोधी किस्में उगानी चाहिए। सफेद मक्खी इस रोग को फैलाती है, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए खेत में बिजाई के 20-25 दिनों के बाद 10-15 दिनों के फासले पर जो है 250 मिलीलीटर रोबोर 30 cc या 250 मिलीलीटर ऑक्सी डेमेटोन मिथाइल 25 cc या 250 मिलीलीटर एनचीओ 25 cc या 400 मिलीलीटर मेलाथियन 50 cc को 250 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करने से इसका नियंत्रण हो जाता है। हाँ, रोगी पौधों को जड़ से उखाड़ कर जरूर नष्ट कर दें, फसल में खरपतवारों को समय पर निकालते रहें। तो किसान भाइयों, ये थी लोबिया की खेती के बारे में मोटी मोटी जानकारी। हमें उम्मीद है कि आप इस जानकारी का लाभ उठाएंगे। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद।